शादी से नाराज भाई ने चाकू से हमला कर बहन को किया लहूलुहान। बीच सड़क पर मोटरसाइकिल रोक चाकू से करने लगा हमला तो ग्रामीणों ने युवक को पकड़ा किया पुलिस को सुपुर्द। एक दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से है, जहां बहन ने प्रेमी से नाता नहीं तोड़ा तो सगा भाई ही बन गया दुश्मन और बीच सड़क पर काटी गर्दन। बता दें कि यह घटना महाराजगंज सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के गौनरिया बाबू के पास का है, जहां एक युवक ने युवती के गले पर चाकू से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। युवती पर चाकू से हुए हमले के बाद उसकी चीख सुन आसपास की महिलाओं व ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गंभीर हालात में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि दोनों सगे भाई बहन हैं। हमलावर भाई हीरो डिलक्स मोटरसाइकिल से युवती को बैठाकर बल्लो खास की तरफ जा रहा था कि अचानक गौनरिया बाबू के पास मोटरसाइकिल रोककर युवती पर चाकू से हमला करने लगा। इस हमले में युवती के गले पर गंभीर चोटें आई हैं। सरेआम युवती पर हमला होते देख गांव के लोग दौड़े और युवक को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को अस्पताल भेजा और हमलावर युवक को हिरासत में ले लिया। ग्रामीणों के अनुसार युवक खुद को घुगली थाना क्षेत्र के हरफपुरा का निवासी बताया। पुलिसिया पूछताछ में युवक ने बताया कि गांव के एक युवक से युवती का प्रेम संबंध है, मना करने पर भी बहन प्रेमी के साथ शादी करने की जिद पर अड़ी थी। इससे नाराज होकर यह कदम उठाया गया। घटना महाराजगंज सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के गौनरिया बाबू के पास का है, जहां एक युवक ने युवती के गले पर चाकू से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। युवती पर चाकू से हुए हमले के बाद उसकी चीख सुनकर आसपास की महिलाओं व ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गंभीर हालात में युवती को अस्पताल भर्ती कराया गया है। बताया गया कि दोनों सगे भाई बहन हैं। हमलावर युवक हीरो डिलक्स मोटरसाइकिल से युवती को बैठाकर बल्लो खास की तरफ जा रहा था, अचानक गौनरिया बाबू के पास मोटरसाइकिल रोक युवती पर चाकू से हमला करने लगा। इस हमले में युवती के गले पर गंभीर चोटें आई हैं। सरेआम युवती पर हमला होते देख गांव के लोग दौड़े और युवक को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। घायल युवती को अस्पताल भेजा गया और हमलावर युवक को हिरासत में कर लिया गया है। मल्टीपल टाइम्स जो है चाकू से स्टैब इंजरी है, उसके भाई ने ऐसा किया है। रीज़न क्या है वो तो पुलिस का कार्य है, लेकिन अभी जो बची है उसको काफ़ी गंभीर चोटें गर्दन में ज़्यादा आई है, बाकी पूरे शरीर पे चाकू से गोदने के निशान लगे हैं। लगभग कितने बार वार किया है समथिंग? मुझे लगता है कई 20-25 बार से ज़्यादा का बार है, क्योंकि हर जगह पूरे पेट में, पीठ में और दोनों हाथ में कई जगह स्टैब इंजरी के निशान है। आज दिनांक 17/7/2023 को थाना कोतवाली को लगभग 12 बजे दोपहर में सूचना मिली कि गौनरिया पुल जो थाना कोतवाली के अंतर्गत ही आता है, वहाँ पर एक लड़की के ऊपर एक युवक हमला कर रहा है जानलेवा। तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची और लड़की घायल लड़की को एम्बुलेंस के माध्यम से सदर हॉस्पिटल भेजा। लड़का जो हमलावर था उसको भी थोड़ी चोटें आ गई थी हमले के दौरान, उसको पकड़ पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। पूछताछ में जो पता चला है, लड़की का नाम रंजना है, जो थाना गोगरी के हरकपुरा क्षेत्र की रहने वाली है। लड़का जो हमलावर था उसका नाम सूरज है, वो उसका सगा भाई है। लड़का अपनी बहन को बहाने से महाराज गमन घुमाने के बहाने से लाया था, क्योंकि लड़की गांव के ही एक लड़के से प्रेम संबंध था, उससे शादी करना चाहती थी, जिससे भाई नाराज रहता था, कई बार मना किया। प्रेम संबंध ख़त्म ना करने पर और मिलना जुलना बंद ना करने पर उसने इसी वजह से आज बहाने से लाकर उसका जानलेवा हमला किया और सदर हॉस्पिटल से उसको लड़की को बीआरटी गोरखपुर के लिए भेज दिया गया। आरोपी लड़का हिरासत में, पुलिस हिरासत में है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।